Hello students, so we will continue with the exercise 13.2 of maths class 5 chapter number 13 data handling. In this we will study about one question, rest of the two questions will be practiced by you. Rohit ne survey kiya aur children se pucha ki kis kis student ko kis type ki story books given hai, uska data aapko given hai. Aapne kya karna hai, fractions find karni hai aur circle graph banana hai. तो आपने पहले जब डाटा लिखा और इसका टोटल आया आपका 80, क्वेश्चन में भी गिवन था कि 80 स्टूडेंट्स हैं. अब फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप? एडवेंचर के लिए आपके पास थे 10 स्टूडेंट्स, टोटल आपके पास 80, तो आपने 10 को 80 से डिवाइड कर दिया. जीरो से जीरो आप कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/8. मिस्ट्री के लिए आपके पास थे 40, टोटल आपके पास है 80, तो आपने यहाँ पे 40 को 80 से डिवाइड किया तो आपके आ गया 4/8. सिमिलरली हॉरर के लिए आपके पास थे 20, तो आपने 20 को 80 से डिवाइड किया तो आपका आ गया 0 से 0 कैंसल 2/8. एंड मोरल बेस्ड के लिए थे 10, तो आपने 10 को 8 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसल, आपका आ गया 1/8. सबका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है. क्या आ रहा है? 8. आपने क्या करना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है. जैसे सेम हमने किया था, 1 पार्ट आपने एडवेंचर को दे दिया, 1 पार्ट आपने मोरल बेस्ड को दे दिया, 2 पार्ट्स आपके हॉरर के लिए, ये 2 पार्ट्स आपने हॉरर को दिए और बीच में आपने डॉटेड लाइन कर दी ताकि हमारा पार्टीशन दिखाई दे. और 4 पार्ट्स आपके मिस्ट्री के हैं तो आपने ये 4 पार्ट्स मिस्ट्री को दिए और बीच की लाइंस आपने क्या कर दी, डॉटेड. इस तरह से हमने क्या बनाया, सर्कल ग्राफ. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज अ लाइन ग्राफ्स. हाउ वी ड्रॉ द लाइन ग्राफ्स? हमें बॉडी टेम्परेचर गिवन है एक पेशेंट का, एवरी 2 आवर्स में उसका क्या क्या टेम्परेचर रहता है सेल्सियस में, हमें उसको रिप्रेजेंट करना है लाइन ग्राफ पे. तो टाइम आपका अगर 7 AM पे उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, 9 पे 36, 11 AM पे 35.5, 1 PM पे 36.5, 3 PM पे 37 एंड 5 PM पे 36. अब इसे हमें लाइन ग्राफ की जगह ड्रॉ करना है. लाइन ग्राफ्स क्या होते हैं? जिसमें आप लाइंस बनाते हैं. सर्कल ग्राफ जो आप सर्कल के अंदर बनाते हैं. बार ग्राफ्स जिसमें आप बार्स बनाते हैं. जो आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बार्स. तो हम कैसे शो करेंगे? अब आप देखें तो ये 35.5 से स्टार्ट है कहीं, ठीक है, और 37 तक है. तो हम ये तो करेंगे नहीं ना कि 0 से लेके 37 तक की काउंटिंग लिखेंगे, क्योंकि 0.5 शो करना मुश्किल होता है. 1-1 के गैप में तो हम इजीली कर लेंगे, पर उससे ज़्यादा गैप लेंगे तो 0.5 शो करने में प्रॉब्लम होगी. तो हम क्या करेंगे, हम 30 से स्टार्ट कर लेंगे. अब ये तो हमारा 0 होता है, तो इतने से को तो हम 30 बोलेंगे नहीं, क्योंकि आगे का गैप हम 1-1 ले रहे हैं. तो मैं यहाँ पे किंक बना दूंगी, किंक या फिर इस जेड की तरह बनाते हैं आप, या फिर कुछ ऐसे जेड लाइन भी बोलते हैं आप इसको, जेड भी बना सकते हैं एक ऐसे जेड करके, या फिर आप इसको बोलते हैं किंक. तो ये जो बना हुआ है इसको आप जेड लाइन बोलते हैं या फिर किंक. तो आपने किंक बना लिया. इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 30 तक इसके अंदर इंक्लूड है. उसके बाद 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक मैंने ड्रॉ कर दिया. नीचे मैंने वही स्केल से 1-1 सेंटीमीटर, इसमें आपने गैप नहीं देना है, 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने लाइंस लगा ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 लाइंस लगा दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे 6 थे तो मैंने 7 तक एक्सटेंड कर दिया. उसके बाद मैंने ना इनको ऐसे बड़ा बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस बना ली, एक तरह से ग्रिड बना लिया मैंने, ठीक है. और इस तरह से तो हमारी नोटबुक में ही है, ठीक है, और इधर से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका एक ग्रिड बन गया. अब आपने 7 AM, एक फर्स्ट लाइन पे आपने 7 AM डिनोट करा, सेकंड पे आपने 9 AM, थर्ड पे आपने 11 AM, फोर्थ पे आपने 1 PM, फिफ्थ पे आपने 3 PM एंड सिक्स पे आपने 5 PM. अब आपको 7 AM पे था 35 ये रहा, 7 AM ये रहा. तो ये यहाँ से आप यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आ रहे हैं, इस पर आपने डॉट लगाई और उस पर सर्कल कर दिया. देन आपका 9 AM पे था 36, तो 9 पे आप ये रहे 36 ये रहा, यहाँ से यहाँ पे आपने क्या लगा दी, डॉट. देन आपका 11 पर है 35.5, 35 और 36 के बीच में आएगा, तो आपने रफली आइडिया ले लिया ऐसे यहाँ से, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, डॉट 11 AM के नीचे. 1 PM पे आपका 36.5 है, तो 36 और 37 के बीच में आपने रफली आइडिया ले लिया और 36.5 की यहाँ पे डॉट लगा दी. देन आपका 3 PM पे है आपका 37 और 5 PM पे आपका है 36. अब आपने क्या किया, स्केल की हेल्प से फर्स्ट पॉइंट को सेकंड से ज्वाइन किया, देन इसको इससे, स्केल से, देन इसको इससे, देन इसको इससे एंड देन इसको इससे. तो जो अब ये ग्राफ बना है आपका, ये क्या बना है आपका, लाइन ग्राफ. इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ.
नाउ लुक एट द एक्सरसाइज 13.3। ये आपको ग्राफ गिवन है क्वेश्चन में, इस ग्राफ को देख के आपने इन क्वेश्चन के सम को सॉल्व करना है। ऑन विच डे वॉज द सेल ऑफ ऑरेंजेस मिनिमम, ये डाटा क्या दिखा रहा है आपको, ऑरेंज की सेल दिखा रहा है पूरे वीक की, तो किस डे पे ऑरेंजेस के सेल आपकी कम सबसे कम थी, तो आप देखें कि मंडे को सबसे कम दिखा रहा है। अगर आप देखें ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन मंडे से नीचे नहीं आ रहा कहीं पे भी, तो मंडे की आपकी सबसे कम थी, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे मंडे। ऑन विच डे डिड द शॉपकीपर सेल 350 kg ऑफ ऑरेंजेस, किस दिन उसने 350 सेल किए, 350 कहाँ होंगे, 300 और 400 के बीच में, तो 350 अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ आ रहा है, तो ये कौन सा डे आपका, फ्राइडे, तो किस डे पे उसने 350 केजी सेल किए, फ्राइडे। हाउ वाज मच वाज द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम ट्यूसडे टू वेंसडे, ट्यूसडे और वेंसडे की कितनी इंक्रीज हो गई, ट्यूसडे को अगर आप देखें तो आपकी 200 थी, वेंसडे को अगर आप देखें तो आपकी 400 थी, तो कितनी इंक्रीज हो गई, पहले 200 थी 400 हो गई, तो 200 एक्स्ट्रा हो गई, तो कितनी इंक्रीज हो गई, 200 kg। नाउ अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ग्राफ की हेडिंग दे रखी है, क्या ग्राफ कर रहा था शो, ऑरेंजेस शो कर रहा था पूरे वीक में, तो ये इसकी हेडिंग क्या होगी, सेल ऑफ ऑरेंजेस ड्यूरिंग अ वीक। नाउ वी विल लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, ये हमें डाटा गिवन है, हमने इसका लाइन ग्राफ भी ड्रॉ करना है और आंसर भी देना है। यहाँ पे आपको ग्राफ बना रखा है तो हमने यहीं पे ही लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको दे रखा है कि 0 ईयर्स की, जब वो पैदा हुई थी रिया तो वो 15 inches की थी, इंचीज में हाइट दे रखी है। 2 ईयर्स की जब हुई तो वो 30 inches की थी, जब वो 4 ईयर्स की हुई तो वो 40 inches की थी, जब वो 6 ईयर की हुई तो वो 45 inches की थी, और जब वो 8 ईयर्स की हुई तो 55 inches की थी। तो जीरो तो आपका यहीं पे शो होता है, तो यहीं पे दिखाएंगे आप कितनी थी, 15 पे सर्कल लगाया, 2 ईयर्स में थी वो 30, 2 ईयर आपने 30 पे सर्कल लगाया, 4 पे थी वो 40, 4 ईयर और यहाँ पे 40 आपने यहाँ पे डॉट लगा के सर्कल लगाया, 6 पे आपने 45 पे लगाया, एंड देन 8 पे आपने 55 पे लगाया, देन आपने इसको स्केल से क्या कर दिया, ज्वाइन, ये बन गया आपका ग्राफ। अब इसके क्वेश्चन देखें, व्हाट शुड बी द टाइटल ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का टाइटल क्या होगा, रिया की एज अलग अलग एज पे बता रखी है, तो क्या बोलेंगे, हाइट, सॉरी, तो हाइट ऑफ रिया एट डिफरेंट एज, हाउ वॉज रियाज हाइट, वट वॉज द रियाज हाइट वेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, तो जब वो 6 ईयर्स की तो उसकी हाइट कितनी थी, 45 inches। हाउ ओल्ड वॉज रिया वेन शी वॉज 40 inches टॉल, जब वो 40 inches की थी तो वो कितने ईयर्स की थी, तो 40 inches में वो कितने ईयर्स की थी, 4 ईयर्स की, तो कितने ईयर्स की थी, 4 ईयर्स। हाउ मच हैज रिया ग्रोन फ्रॉम द टाइम ऑफ हर बर्थ टू द 4 ईयर्स ओल्ड, जब वो हुई और जब वो 4 साल की हुई तो वो कितनी बड़ी, जब वो हुई थी तो वो 15 की तो ऑलरेडी थी, और जब वो 4 ईयर्स की हुई तो वो 40 हो गई, तो वो कितना ग्रो कर गई, मैं 40 में से 15 क्या करूंगी, माइनस, मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया 25, तो वो कितनी ग्रोथ हुई है उसकी, 25 inches। नाउ दिस इज द कम्प्लीशन ऑफ द चैप्टर नंबर 13 डाटा हैंडलिंग, नाउ यू विल डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल द ग्राफ्स ऑफ ऑल एक्सरसाइज एंड वर्कशीट।